इनसे भाई कुछ लोग मान्या को कंपेयर करते हैं लाला से, अरे सब अपने जगह बेस्ट हैं। यस ऑफ कोर्स, मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मान्या ने वो चीज़ रीच करी है, वो चीज़ हिट करी है जिसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर आईजीएल, सब ने बहुत तगड़ा काम किया है। लाला जब आईजीएल था पहले बहुत जबरदस्त आईजीएल था, बहुत जबरदस्त उस टाइम पे इनका रिकॉर्ड चल रहा था। डैमेज दो अंदर राव नॉक पुश का जो उन्होंने ट्रेंड लाया था, दैट वॉज अमेजिंग भाई। और उस टाइम पे लिटरली ऐसा लगता था कि भाई टीएसएम एंटिटी इज द ओनली टीम जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके फाड़ सकती है, ये फैक्ट है भाई। और इस टाइम पे ये लगता है कि हमारी सारी टीम्स में से आईक्यू सोल प्रोबेबली सीम्स लाइक द ओनली टीम जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो एक कॉम्पिटिशन पुटअप करेगी। अब देखो 16 जो टीम होंगी इंटरनेशनल में अगर, तो वहां पे नंबर वन पे आईक्यू सोल रहे ना रहे, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। वहां पे माइंडसेट कैसा है प्लेयर्स का ये मैटर करता है। लेकिन हाँ, अभी अगर आप लोग भी देखो, चाहे आप किसी भी टीम के फैन हो, ये आप अग्री करोगे कि आईक्यू सोल के ऊपर आपके बेस्ट ऑड्स रहेंगे कि हाँ यार ये टीम मार सकती है। सो मान्या की टीम और मान्या ने बहुत अलग अचीव किया है भाई, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप किसी भी टीम को फैन, किसी भी टीम को सपोर्ट करो, वो बहुत फाड़ू है। एंड ऑफकोर्स देखो यार, जब बात आती है लाइनअप में आईजीएल की, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई, ये तो मैंने बहुत बार बोला है कि आईजीएल में टॉप में तो भाई डेस्ट्रो और मान्या यही दो हैं, उसके बाद सारे फिर आते हैं। क्योंकि इन्होंने किया है भाई, डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर कह लो, मैं तो डेस्ट्रो द धोनी बोलता हूँ भाई, मेरे हिसाब से, कोई ऑफेंस मत लेना इस चीज़ में, बट डेस्ट्रो ऐसा है कि जो गेम पलट के ले आता है कहीं से भी। मान्या ऐसा आईजीएल है कि पहले मिनट से ही वो गेम में डोमिनेशन करेगा, पहले मिनट से ही वो दिखाएगा कि हाँ भाई हम ही जीत रहे हैं, हम इसमें चिकन निकाल रहे हैं, हम मार रहे हैं। निकल नहीं भी निकालेंगे चिकन तो भी वो 15-20 पॉइंट लेके जाएंगे। लेकिन डेस्ट्रो का ऐसा है, वो कहीं से भी पलटा देगा मैच। उनको आखिरी मैच चाहिए होगा, आखिरी मैच में 32 पॉइंट चाहिए होंगे, डेस्ट्रो आखिरी मैच में पलटा देगा। डेस्ट्रो ऐसा बंदा है, उसकी टीम ऐसी है, और उनका भाईचारा तो भाई ऑन टॉप। मुझे लगता है इस वक्त सिनर्जी की अगर बात करें तो दो ही टीम में सबसे ज्यादा सिनर्जी होगी, दो तीन टीम में होगी। सबसे ज्यादा सिनर्जी आईक्यू सोल में होगी, उसके बाद मुझे लगता है टीम मोगो में होगी सिनर्जी सबसे बढ़िया, बिकॉज दोनों टीम्स यार क्या जॉड है यार।